तो फाइनली जो हम सबसे खराब साल था हमारी जिंदगी का, मतलब 2020 अब खत्म होने को आ गया, मतलब नवंबर चल रहा है, दिसंबर आ गया, खत्म हो गया बस। तो अब सब लोग सोच रहे हैं कि हाँ नई गाड़ी देखने को चाहिए, नई गाड़ी जो आने वाली है उनका थोड़ी इन्फॉर्मेशन बता दी जाए। तो इसी से रिलेटेड मैं यही वीडियो लेके आया, इसमें मैं बताऊंगा 5 अपकमिंग कार्स जो कि 2021 में लॉन्च होंगी और इनकी प्राइस 5 से 10 लाख रुपये के बीच में पड़ेंगी और इतनी महंगी नहीं, नॉर्मली सबके बजट में पड़ती इतनी। तो मजा नहीं लाइफ, ये वीडियो एंटर देखो, मजा नहीं लाइफ जानो, और अगर तुम कार लेने प्लान कर रहे हो तो 1-1.5 महीना वेट कर लो, नई गाड़ी लॉन्च होगी तो नई गाड़ी ले लेना नई फीचर के साथ, और क्या मजा नहीं लाइफ। तो इस साल जितनी भी नई गाड़ी बाइक जितनी भी लॉन्च होनी थी हो गई हैं, तो अब लोग सोच रहे हैं कि अब अगले साल कौन सी नई गाड़ी या बाइक लॉन्च होने वाली है। सबके मन में ये है कि हाँ कौन सी गाड़ी या बाइक मॉडल आने वाला है, सबके मन में क्यूरियोसिटी है। सबके बारे में तो नहीं कह सकता मैं खैर, मगर ये उनके लिए है जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री मतलब कार्स या बाइक्स के लवर्स हैं, मतलब इससे कुछ ज़्यादा ही प्रेम उनको, जैसे मैं बाइक्स लवर हूँ। तो मैं उन्हीं सब कार लवर्स के लिए ये वीडियो लेकर आऊँ जिसमें बताऊंगा 5 अपकमिंग कार जो 2021 में लॉन्च होने वाली है, उनकी फीचर्स के बारे में बात करेंगे और उनकी प्राइस के बारे में बात करेंगे कि वहाँ क्या प्राइस हो सकती है। तो ज़्यादा देर नहीं करते, मैं अपनी इस लिस्ट को स्टार्ट करता हूँ क्योंकि आप लोग भी फिर कमेंट में करोगे भाई बकवास करता आधा घंटा, तो स्किप करते हैं इस चीज़ को, आगे करते हैं लिस्ट स्टार्ट करते हैं। तो मेरी पहली लिस्ट है मारुति की जिम्नी। मारुति सुजुकी कंपनी इंडिया के अंदर 2021 में जो जिम्नी का नया जनरेशन है वो लॉन्च करने वाला है, और उसकी कीमत उन्होंने एस्टिमेट बताई कि 8 से 10 लाख के बीच में होगी। तो वो एक्सोडम ओनर सब उसी के अंदर आ जाएगा, तो टेंशन वाली बात नहीं है, मज़े मज़े नई गाड़ी लो मज़े मज़े। इसमें स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, ऑटोमेटिक एसी, मल्टीफंक्शनल स्टीयरिंग व्हील के साथ टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम भी दिया गया है, और इन सब के साथ साथ मारुति जिम्नी के अंदर एक बेहतरीन कैबिन दिया, मतलब कैबिन इन द सेंस जो ड्राइविंग स्पेस होता है काफ़ी कंफर्टेबल है कि हाँ बिल्कुल मगज नहीं होगा कि हाँ बिल्कुल कंजेस्टेड हो गया, वो नहीं है, बिल्कुल मस्त चिल। तो मेरी दूसरी लिस्ट पे हुंडई की i20। तो हुंडई कंपनी ने इस गाड़ी को 2020 में लॉन्च करने का फैसला ले लिया, मतलब आस पास या नवंबर में मेरे ख्याल से लॉन्च कर देगी, और इसकी बुकिंग भी उन्होंने स्टार्ट कर दी है। अगर तुम्हें इसमें इंटरेस्ट है तो या तुम बुक कर सकते हो, और मैं बता दूँ इसकी जो एक्सोरूम प्राइस उन्होंने रखी है, मतलब एस्टिमेट प्राइस जो रखी है, मतलब स्टार्टिंग प्राइस वो 6 लाख के आसपास रखी, और ये हैचबैक गाड़ी है, मतलब पीछे डिक्की नहीं होगी, और इसके अंदर तुम्हें 3 इंजन ऑप्शन मिल जाएंगे, एक तो 1 लीटर का, एक 1.2 लीटर का, और एक है 1.5 लीटर का। तो मेरी तीसरी लिस्ट पे है निशान की मैग्नाइट। निशान ने हाल ही में अपने नई सब कॉम्पैक्ट एसयूवी मैग्नाइट से पर्दा उठाया है। ये एसयूवी इंडिया में सब 4 मीटर एसयूवी सेगमेंट में एंट्री करेगी। निशान मैग्नाइट को मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म भी डिजाइन किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी इसे 5.25 लाख रुपये की शुरुआती कीमत से लॉन्च कर सकती है। तो मेरी अगली लिस्ट पे रेनॉल्ट की HBC। रेनॉल्ट इंडिया के अंदर जल्दी एक नई गाड़ी लॉन्च करेगी, रेनॉल्ट HBC जो कि है, इसे हम कीगर के नाम से भी जानते हैं, मतलब इसे कीगर भी कह सकते हैं। तो और मैं बता दूं रेनॉल्ट की जो नई HBC SUV है ये सीधा सीधा टक्कर देगी टाटा नेक्सॉन को, विटारा ब्रेज़ा को, और हुंडई की वेन्यू को। कंपनी इसे CMF A+ प्लेटफॉर्म पर लॉन्च करेगी, और कंपनी ने अपनी गाड़ी का जो इसकी शुरुआती कीमत है उसको 6 लाख रुपये तय किया है। तो अगर तुम्हें इस गाड़ी में इंटरेस्ट है तो तुम्हें पता चल गया कि हाँ यहाँ तक है। तो मेरी लिस्ट में लास्ट नंबर पे है टाटा की HBX। टाटा कंपनी जो अपनी ये नई गाड़ी है HBX को एस्टिमेटली लॉन्च करने वाली है 2021 में, और उसके जो एस्टिमेटेड प्राइस है वो 5 लाख रुपए से स्टार्ट होगा, मतलब एक्सोडियम स्टार्ट होगा, बाकी तुम लगा सकते हो कि हाँ 6 के आसपास तुम्हारा पड़ जाएगा ये ऑन रोड। और टाटा की जो गाड़ी है HBX ये SUV है, और जो इसका इंजन है वो डीजल और पेट्रोल तुम्हें दोनों में अवेलेबल हो जाएगा, और इसका ट्रांसमिशन मैनुअल है। तो तुम्हें अब इस लिस्ट में पता चल गया कि हाँ ये गाड़ी 21 में आने वाली है, मतलब 2021 में आने वाली है। तो हिसाब से तुम अपना प्लान कर सकते हो कि हाँ इनमें से कोई गाड़ी लेनी है या नहीं लेनी, ये तुम पे डिपेंड करता है। बाकी और 2021 में और भी गाड़ियाँ बाइक आने वाली हैं, मैं इसके लिए भी वीडियो बना रहा हूँ, तो लगे रहो चैनल पे, कंटिन्यू रहो, मतलब जुड़े रहो मेरे साथ, क्योंकि जैसे मेरी रिसर्च खत्म हो जाएगी मैं वीडियो डाल दूंगा अपने चैनल पे, तो तुम्हें इन्फॉर्मेशन सारी मिल जाएगी। तो इस वीडियो में सिर्फ नहीं, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो मैं जल्द सब्सक्राइब कर ले, और मिलते हैं अगले वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।